सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। राहुल गांधी का काफिला जहां पर रोका गया था वहां की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तनाव का माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर बैरिकेड किया गया था। राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया, सड़क मार्ग से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और उसके बाद इस तरीके से महिलाएं जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। देखिए कैसे पुलिस से भी झड़प करती हुई नजर आ रही हैं ये, और यहाँ कुछ लोगों को देखिए आप, उनकी तबीयत भी खराब हुई है, आंसू गैस के गोले दागने पड़े पुलिस को, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। मणिपुर पहले ही हिंसा की आग में जल रहा है और सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी को आगे जाने की प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी, इजाजत सड़क मार्ग की नहीं दी गई। देखिए कैसे धक्का मुक्की करती हुई महिलाएं यहां पर नजर आई हैं, बैरिकेड करके इन्हें रोकने की कोशिश की गई, बैरिकेड को तोड़ यहां पर कैसे गिरा दिया जाता है और भीड़ यहां पर कितनी ज्यादा है देखिए आप। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, महिलाएं और जो यहां पर मणिपुर के देखिए जो पुरुष भी हैं यहां पर, वो भी किस तरीके से पुलिस के साथ भिड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन हाथापाई इनके साथ करते ये लोग नजर आ रहे हैं और किस तरीके से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। फिर जाकर के पुलिस को टियर गैस यहां पर छोड़ना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? राहुल जी मणिपुर पहुंचते हैं, इंफाल के एयरपोर्ट से निकलते हैं, महज 20 किलोमीटर दूर उनका काफिला चलता है और विष्णुपुर में उसको रोक लिया जाता है। उस काफिले को क्यों रोका गया? पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं, उस काफिले को रोका जाता है और जिन लोगों में थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, तो कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, वहां लोग आ जाते हैं, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन गांव की महिलाओं पर बर्बरता और निरंकुश पुलिस टियर गैस के गोले दागती है। ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको यह विश्वास जताने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, आप भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से उनको रोक दिया जाता है और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे वो जाएंगे जरूर, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ये रोककर कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो कितना डरते हैं, नफरत करने वाले लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, प्यार से क्यों घबराते हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है, अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है, जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है, लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है?
और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी अमात। तो देखिए कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और इन्होंने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा कि आखिरकार पहले परमिशन दे करके बाद में राहुल गांधी को वहां जाने से क्यों रोका गया है। ये तस्वीरें देखिए आप। चलो चलो बैठो, ये सीआरपीएफ बैठो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होके जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विगत 2-3 दिन से, जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं इन कुछ लीगसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। Zee News.